ये दोस्तों आपका विद्या किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने दरारी की फली जो है आप ग्वार की फली भी कहते हैं तो इसका मैंने आज यहाँ पे अचार तैयार किया है। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे देखिए ग्वार की फली यानी दरारी की, यहाँ पे बहुत ही शानदार अचार तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ये दरारी की फलियों को आप धो करके साफ कर लीजिएगा पहले और इस तरह से कट कर लीजिए, लंबा या छोटा जैसे भी आप पीस चाहें उसके कर सकते हैं। और दोस्तों इसको धो के साफ करने के बाद आप इसे पानी बिल्कुल ना रहे इस तरह से किसी छलनी में रख दीजिएगा तो ये बिल्कुल सूखी रहे। यहाँ पे हमने गैस जला के रखी है और कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे 2 चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं, वो भी मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पे। और आपको ये सरसों का ही तेल यूज करना है दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी ऑयल का प्रयोग ना कर सकते। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें सारी फलियों को डाल देंगे इस तरह से और हम इसे इस तरह से हम इसे चलाएंगे। गैस को आप मीडियम रखिएगा और इसे दोस्तों हम आधा पकाएंगे, 50% एक अच्छी रहे और 50% आपकी पक जानी चाहिए। इसे बिना पानी के ही आप पकाइएगा और जब ये पक रही हो दोस्तों तब गैस को स्लो कर दीजिए। हमने यहाँ गैस को स्लो कर दिया और इसे हमें तो दोस्तों इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ढक करके, जब इस ये पकेगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हम ढक देते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और गैस हमने स्लो कर रखी है अभी भी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब अब हमारी ये 50% ये देखिए पक गई है, इसका कलर चेंज हो गया, तो अब हम गैस को मीडियम कर लेते हैं और इस पर हमें 1 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से भूनना चलाते हुए। इससे क्या कि इसका अंदर अगर पानी है तो वो सारा पानी सूख जाएगा और इससे मॉइस्चर नहीं रहेगा और आपका अचार लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। अगर स्टीम करके आप बनाना चाहते हैं तो आप स्टीम कीजिए और उसके बाद आप इसको धूप में 1 घंटे के लिए जरूर सुखा लीजिए कम धूप में। यह देखिए 1 से 2 मिनट हो गया और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, हम गैस को बंद कर दिया है। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा हो गया। अब इसे हम ठंडा होने देंगे आधा, उसके बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो हमारी दरारी की फली आधी ठंडी हो गई है तो हम इसको एक साफ बर्तन में निकाल लेते हैं। जब भी आप निकालें तो बर्तन को पोंछ लीजिए, एकदम सूखा बर्तन होना चाहिए आपका। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ पे ये भुना हुआ जीरा ले रहे हैं, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच ही हमने यहाँ पे खड़ा धनिया जो 2 टुकड़ों में करके रखा है इसे भी हम साथ में डाल देते हैं। यहाँ पे 1 ही चम्मच हम किसी भी खटाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे दोस्तों ये मेथी के दाने हैं इनको भी साथ में डालेंगे। 4 हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे और ये 2 चम्मच हमने सरसों का पाउडर तैयार किया है उसे भी लेंगे, इसे भून करके तभी डालिएगा। और यहाँ 1/2 चम्मच हम काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे साथ में। और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे और इन सबको एक बार मिक्स कर देते हैं पहले हम। इसमें हम यहाँ पे 1/2 चम्मच हींग पाउडर डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच छोटी, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच छोटी, नमक आप टेस्ट के अनुसार रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे ये लहसुन, इसको हमने इस तरह से छील करके उसके बीच में से 2 टुकड़े करके रखा है तो
तो आप इसे छिलकर निकाल लीजिएगा और दो टुकड़े कर लीजिए। ये हमने 20 कलियाँ ली थी और उसको हमने कट कर लिया है, कुछ साथ में हम डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते दोस्तों तो आप लहसुन को छोड़ सकते हैं। लहसुन हमने इसलिए डाला है कि इससे बादी खत्म हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे लहसुन का प्रयोग किया। ये मस्टर्ड ऑयल है दोस्तों, हमने इसको पका के रखा ठंडा करके, तो आप गर्म करके ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसमें इस्तेमाल कीजिए। ये 50 ग्राम है और हम इन सबको अच्छे से मिला देते हैं। और इसमें हम एक बड़ा चम्मच ये विनेगर डाल रहे हैं, सफ़ेद विनेगर। अगर आपके पास सफ़ेद विनेगर नहीं है तो आप काली विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपका अचार तैयार है। ये आपको खाने के लिए 1 हफ्ते में पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसे आप 1 नहीं 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर तक आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इस 100% ये बात की गारंटी है। बस आप इसे ध्यान रखिएगा, इसमें मच्छर जब आप इसे सुखा रहे हों तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और इसे बंद जार में रखिएगा, एयर जिसमें एयर ना जाए। गीले हाथों से या फिर गीली चम्मच से आप इसको बिल्कुल भी ना लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा अचार तैयार हो गया बनके। तो मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे विद्या किचन चैनल को ज़रूर आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।